जाना ना सिर्फ काबिल मुजम्मत बल्कि फ्रांस में बार बार गुस्ताखाना खाकों की इशात और तरवीज मुस्लिम उम्मा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। इलावा अजी अफसोसनाक और काबिल एरत किरदार फ्रांस के सदर की जानिब से आया जो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने गुस्ताखाना खाकों को इज़हार राय की आज़ादी का नाम देकर इसका दफा किया जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया की ना सिर्फ दिल आज़ारी हुई बल्कि मुस्लिम उम्मा में शदीद तशवीश पाई जाती है। ये कि दुनिया के किसी भी हिस्से में तौहीन मज़हब के लिए इज़हार राय की आज़ादी का सहारा लेकर तवील अरसे से मुसलमानों की दिल आज़ारी का सिलसिला जारी है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मज़हब की शान में गुस्ताखाना अमल आलमी सतह पर तासुब और नस्ल परस्ती को हवा देने की साजिश है जिसका आलमी बिरादरी और जिम्मेदार इदारों को नोटिस लेना चाहिए। ये कि दुनिया में आबाद मुसलमान किसी सूरत अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा ये ऐवान फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की मुसलसल तरवीज और फ्रांसीसी सदर के गैर जिम्मेदार रिमार्क का न सिर्फ शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है बल्कि वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो OIC और अक़्वामे मुत्तहिदा में ये मामला उठाएं ताकि मुस्तकबिल में इस्लाम दुश्मन तर्ज अमल का रास्ता रोका जा सके। साथियों के साथ मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा जनाब, इसको हाउस की तरफ से करने सब की तरफ से क्योंकि ये सब के दिलों की धड़कन है, तो इसमें बहुत मेहरबानी जनाब। बिल्कुल इसको इस करारदाद की हिमायत करता हूँ और मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है इसमें कि जिस तरह हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए एजाज करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीरी भाइयों के लिए रैलियाँ निकलते हैं तो ये तो हमारे पैगंबर हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस हवाले से पूरे मुल्क में रैलियाँ निकालें।